नमस्ते। आज हम बनाएंगे सूजी की इडली। सूजी की इडली बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें 1 कप सूजी लेते हैं और जस्ट उसके आधा हम दही लेंगे और उसी दही में थोड़ा सा पानी डाल करके आधा कप और मिलाएंगे। उसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी थोड़ा सा और डाल करके अच्छी तरह से मिला करके 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके हम रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सूजी को फूले हुए भी 20 मिनट हो गया है, अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक डाल करके अच्छी तरह से फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे। एक कप सूजी में यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे और आधा कप दही लेंगे। अगर रेशियो आपका सही रहेगा तो इडली बहुत अच्छा बनेगा। सभी को डाल करके अच्छी तरह से फेंट दिए हैं। अब यहाँ पर हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद आधा नींबू या निचोड़ देंगे। नींबू डालने से जो सोडा का टेस्ट आता है वो बैलेंस हो जाता है और उसको एक ही डायरेक्शन में हम फेंटेंगे। अब हम इडली स्टैंड का सांचा लेंगे, उसमें ऑयल लगा करके ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे हमने भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब इसको 1-1 चम्मच चाहे 2-2 चम्मच मतलब जितना भरना है उतना हम भर लेंगे, जितना इसमें जगह है। इडली स्टैंड के सभी मोल्ड में हम भर करके स्टीम होने के लिए ढक करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। 2 या 3 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब इसको हम चेक करने के लिए एक नाइफ लेते हैं। बिल्कुल देखिए क्लीन निकल रहा है, मेरा इडली बनके तैयार हो गया है। थोड़ा ठंडा होने पे इसको हम निकाल देते हैं चम्मच की मदद से। यहाँ पर देखिए हम इडली निकाल के दिखा रहे हैं आपको, कितना इजली निकल जाता है बिल्कुल क्लीन और बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। आप भी बनाइए और इस तरह का बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप चटनी या सांभर के साथ खाइए, नारी की चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।